ओवरऑल फंड जो बोर्ड है उससे क्या फर्क है? बिल्कुल, आप वो सरकार क्या कह रही है भाषण में, कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा स्पष्टीकरण और स्वच्छता ला रहे हैं जो इलेक्शन फंडिंग का है या पॉलिटिकल फंडिंग का है। दरअसल वो उल्टा कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट फंड जाके बड़े बड़े पार्टियों को मिले, खास करके भाजपा को मिले, इसके लिए वो ये बॉन्ड सिस्टम लाए हैं। उसको लेकर हम चर्चा करना चाहिए था। अगर सरकार इलेक्शन सुधार करना चाहती हैं तो निर्वाचन सुधार करे, फंडिंग का सुधार करना चाहते हैं वो भी करे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी की बजाय ओपेक कर रहे हैं। अब ये होगा, जो देगा उसे मालूम होगा, जिसे मिलेगा उसे मालूम होगा, लेकिन बाकी जनता को नहीं मालूम होगा, तो वो छुप करके बड़े कॉरपोरेट फंड को अपने फंड में लाने की बंदोबस्त किए हैं। मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारी पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि सारी चीज़ें, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को भी जो डोनेशन मिलता हो या चुनाव में फंडिंग होता हो, वो एकदम सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और जो नया प्रस्ताव लाए हैं, इससे निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन में इसकी स्वच्छता और पवित्रता आएगी। और वो न्यू फाइनेंस बिल के लिए हमारे जो भी रिजर्वेशन से हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कभी उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने किया है, उसका क्या फर्क पड़ेगा? एक बात, मैं अस्वस्थ हूँ, आज ही आया हूँ, अभी हार्ट अटैक हुआ।